आज हमारे किचन में अल्बैक फ्राइड चिकन बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गोगी शेरी किचन पर। आज हमारे किचन में अल्बैक फ्राइड चिकन बन रहा है। उसके लिए मैंने 1.5 किलो से थोड़ा कम ये चिकन है मेरे पास, इसके 12 पीस किए हैं। सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, दारचीनी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, दही 1/2 पाव या 100 ग्राम आप कह लें, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। चिकन को मैं फोक की मदद से इस तरह कर लूँगी, जो बड़े पीस हैं उनको ज़रूरत होती है, छोटे पीसेस को ज़रूरत नहीं होती, तो हाथ को आपने पीछे ही रखना है। अगर आपने चिकन बनाना है तो रात को ही कोशिश करें कि इसको मैरिनेट कर दें। इसके बाद मैं ये सारे मसाले बाउल में डालकर इसमें मैरिनेशन के लिए 5-6 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँ। अब मैं दही को फेंट लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि दही ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, अगर थिक हो तो हमने इसमें पानी डाल दिया, ज़्यादा थिक ना हो दही। अब मैं इसमें बाकी मसाले भी डाल देती हूँ। दही चूँकि थोड़ा सा थिक है, इसमें मैं और पानी डालूँगी, और हमें पानी की ज़रूरत भी है क्योंकि हमारा चिकन ज़्यादा है। ये थोड़ी लस्सी है ये डाली है मैंने, बस अब ये कंसिस्टेंसी ठीक है। इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब मैं इसमें चिकन डालती हूँ। गोगी शेरी किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। ये रोज़ आपको बताएगा कि आसान और दिलचस्प तरीके से खाना कैसे बनाया जाता है। इसे मैं 5-6 घंटों के लिए फ्रिज में रखती हूँ। अब हमारा अगला स्टेप शुरू होता है। तो 2 कप मैंने ये वाला मेयर करके मैदा लिया है, और हर कप के बदले में 1 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा डालूंगी। तो ये 2 कप हैं, इसलिए मैं 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। 1 मुनासिब से, और ये 2, और इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैं इसे छान लूंगी।
कुछ भी नहीं निकला, लेकिन चले छानना ज़रूरी था। इसके अलावा बेकिंग पाउडर और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें बाकी मसाले भी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। इसके बाद अगला स्टेप हमारा शुरू होता है। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। पहले मैंने कोटिंग में जो मसाले डाले थे वो इस तरह थे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च। ये मैंने मैदे में ये चीज़ें डाली थी। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें से ये सारे पीस मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह करके मैं सारे निकालती जाती हूँ। ये सारे पीस मैंने निकाल लिए हैं। अब इसमें मैं अंडा शामिल कर दूंगी। ये वही वाला हमारा मटेरियल है जिसमें हमने चिकन डुबोया हुआ था। अब इसमें मैं एक अंडा शामिल कर लूंगी। अच्छी तरह इसे फेंट लेंगे। अब मैं कोटिंग करूंगी। ये खाद हम खुश्क रखेंगे। इसको फिर मैं इस मटेरियल में लेके आऊंगी। ये दर जाएगा। दो बार हम कोटिंग करेंगे, फिर ये इधर आएगा। अंडे में डिप करेंगे और फिर ये इसमें चला जाएगा मैदे में। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया हुआ है। अब ये तैयार। इसी तरह दूसरा पकड़ेंगे इधर इस साथ से। एक आपको खुश्क रखना है। तो इसमें डिप करेंगे। फिर इसमें डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे। डबल कोटिंग करनी है हमें, इससे ज्यादा नहीं, वरना कोटिंग उतर जाती है। इस तरह मैं इनकी कोटिंग करती जाऊंगी। पहले हम इतने फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद बाकी करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इनकी साइड चेंज कर दी और लो मीडियम हीट पर अब मैंने पकाऊंगी ताकि अंदर तक ये गल जाए।
फासला रखकर हमने डाले हैं। मैं 5-6 मिनट एक साइड रखूंगी और फिर 5-6 मिनट दूसरी साइड। बहुत ही अच्छे ये तैयार हो चुके हैं। 10-12 मिनट अब मैंने डिश आउट करती हूँ। जबरदस्त क्रिस्पी बेक फ्राइड चिकन हमारे तैयार हैं और इसके साथ मैंने बड़ी अच्छी सी ये सॉस भी बनाई है। दही है, इसमें मैंने घर की बलाई डाली है, एक लहसुन की कली डाली है और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है। तो ये भी हमारी चटनी भी साथ तैयार हो गई है और हमारे ये चिकन फ्राइड जो हैं ये भी तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे और लजीज बने हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। मेरे पास जो पीस है उसको मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार बना है और अंदर से जूसी भी बना। ये देखें, अंदर से गला हुआ और जूसी भी। आवाज तो आ ही रही होगी, मैं खा भी रही हूँ। इसका नमक मिर्च बहुत बैलेंस है। एक तो ये क्रिस्पी होने चाहिए, दूसरा इनका नमक मिर्च बहुत बैलेंस होना चाहिए। नमक बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना मैंने बताया उतना ही आपने रखना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका मटेरियल बहुत ठंडा होना चाहिए। जैसे हमने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था तो अंडा भी हमारा ठंडा होना चाहिए और फिर उसके बाद क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है और ये ठंडा जैसे ही उसमें गिरता है तो ये क्रिस्पी बन जाता है। आजकल बड़ी शदीद गर्मी है, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से संभाला। सर्दियों में इसको ठंडा रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है और बहुत क्रिस्पी सर्दियों में ये बनेगा। आज भी मैंने बहुत क्रिस्पी बनाया। तो लीजिए, सऊदी अरब की अल बेक चिकन, अल बेक फ्राइड चिकन तैयार है। अगर आपको वीडियो आसान लगे, दिलचस्प लगे और पसंद आए तो फिर मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इसे बनाएं भी ज़रूर और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके अल बेक फ्राइड चिकन कैसे बने थे। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।